आज मैं आ गया हूँ तिलक नगर की फ्रूट मार्केट में। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस स्टॉल है हाइजीनिक चाट कॉर्नर। काफ़ी हाइजीनिक तरीके से हमें चाट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों ये स्टॉल लगाते हैं, तो इनसे बात करते हैं, इनकी स्टोरी पूछते हैं कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और इनकी चाट टेस्ट करते हैं। सर आपका नाम क्या? संजय भाटिया। मैम आपका? रजनी भाटिया। ठीक है, तो सर स्टॉल को कितना टाइम हो गया? ये 3 सितंबर से स्टार्ट किया है मैंने। उससे पहले मैं लॉकडाउन से पहले मैं ग्रेटर नोएडा में कुछ जगत फॉर्म में कुल्लड़वाला में जॉब कर रहा था। तो मार्च में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद उनको बंद करना पड़ा, तो उस 3 सितंबर से फिर मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। तो वहाँ से आपका अपने जॉब से छोड़ दी? जॉब एक्चुअली वहाँ पे कॉलेजेस थे, तो वो कॉलेज अभी बंद पड़े हैं, कस्टमर है नहीं, इसलिए उनको हमारे एमडी को बंद करना पड़ा। तो आप यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज रखते हैं? अभी मेरे पास मेरी एक स्पेशल आइटम है क्रीमी दही भल्ला, भल्ला पापड़ी चाट, पापड़ी चाट और स्टफ टिक्की, तवा ब्रेड। एक मेरी अपनी और आइटम है तवा क्रीमी ब्रेड। तो सर ये आप काफ़ी टाइम से बनाते हैं मुझे लगता है? जी हाँ, ये काफ़ी साल हो गए हमें इस काम को करते हुए। होटल लाइन से हम दोनों हेड कुक रह चुके हैं। आज आप मैं क्या क्या ट्राई करवा रहे हो? आज एक तो मैं क्रीमी दही भल्ला ट्राई कराऊंगा आपको, और एक मेरी तवा क्रीमी ब्रेड है जो स्पेशल आइटम है। ठीक है सर। तो सर पहले आप क्या बना रहे हो? पहले मैं आपको अपना क्रीमी दही भल्ला खिलाऊंगा। ठीक है सर, क्योंकि पहले हम ठंडा खाएंगे बाद में गर्म खाएंगे। तो ये इनका क्रीमी दही भल्ला है, ये इन्होंने दही में डाल दिया। तो आप इसको कितनी देर रखोगे इसमें? बस ये अब चला गया। ठीक है, अभी हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे ताकि जब हम दही डालें इसके अंदर तक दही जा सके। ठीक है सर। ये मेरा नमक, काला नमक डाल, काला नमक, ये मेरा अपना घर का काला मसाला और ये पीली मिर्च जो कि चाट के लिए होती है स्पेशल। ठीक है सर। अब जो हम इसमें दही डालेंगे, दही भल्ला कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब आप और दही डल गया इसमें, और दही काफ़ी फ्रेश लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। तो ये स्पेशल क्रीमी दही है इनका। अब ये गई हमारी रेड सॉस, इमली की चटनी। ठीक है, ये इमली की बिना कलर के। तो काफ़ी जगह आप देखते होंगे कि कलर यूज़ करते हैं चटनी में, बट इन्होंने नॉर्मल रखा हुआ है इसको। ये हरी चटनी, ये भी विदाउट कलर। ये गया अनार, ये अनार डल गया, और देखने में ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। अब देखते हैं खाने में कैसा ही है। तो नेक्स्ट आइटम सर, हाँ, ये तवा क्रीमी ब्रेड है जिसमें मसालों में भुने हुए आलू, इनका पानी सुखाया जाता है, फिर ये तैयार होते हैं। उसके बाद इसमें ब्रेड में ही हमने स्टफ़ किए हैं। अब ये ब्रेड इसके ऊपर जाएगी। तो अब इसको आप दो पार्ट्स में? नहीं, फोर पार्ट्स में। तो ये आप इनका बैटर दे सकते हो। तो सर इसमें क्या क्या डाला है? ये दालें हैं दो तरह की, कलर के लिए बेसन। ठीक है, कौन कौन सी दालें सर? सर सॉरी ये नहीं बता सकता। ठीक है सर। तो ये आपके, तो आप इनका ये बैटर देख सकते हो। अच्छा ठीक है, अब ये इसको डिप करेंगे इसमें। तो चारों पीसों को ये डिप करके इसमें तेल में फ्राई करेंगे। तो ये इनकी काफ़ी हॉट सेलिंग आइटम है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। तो तवा क्रीम ब्रेड देख सकते हो आप कितने बढ़िया तरीके से बन रही है। तो सर आपके स्टॉल की टाइमिंग क्या है इसकी? 12:30 से रात को 9:30 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहता है? 7 दिन। और इसकी लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन ये है तिलक नगर की 7 मंजिला मंदिर के पास, फ्रूट मार्केट जो है उसी के, मतलब नारियल पानी वाले हैं उनके ऑपोजिट, बिल्कुल दो नारियल पानी वाले हैं साथ साथ उनके ऑपोजिट। ये मेन फ्रूट मार्केट है 7 मंजिला मंदिर के, और अगर इधर देखेंगे तो तिलक इलेक्ट्रिकल है उसके बिल्कुल शॉप के बाहर उनके। तो सर ने आपको लोकेशन बता दी है, बाकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप यहाँ पे आके हाइजीन तरीके से फूड टेस्ट कर सकते हैं उनका, काफ़ी अच्छे से चाट वगैरह बनाते हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ा ब्राउन हो चुका है इस टाइम पे। इसको कितनी देर कुक करते हो आप? सर ये 5-7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसको एकदम हमने खस्ता करना होता है ताकि क्रीम और चटनी डालने के बाद ये सॉफ्ट ना हो। तो आप इसमें क्या क्या सर्व करते हो साथ में? क्रीम, इसमें क्रीम, ग्रीन सॉस, चाट मसाला और प्याज। ठीक है,
सर इसका प्राइस क्या है? ये 60 रुपीज़ की। जी हाँ, वैसे 8 पीस भी हो जाते हैं इसके, 16 भी हो जाएंगे इसके, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड है वो कितने पीस करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो तवा क्रीमी ब्रेड मैंने पहली बार सुना है, तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट में कैसा है। तो सर आप कितने पीस करोगे इसके? ये वैसे तो हम, मैं कहता हूँ 16 होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर आराम से खा लेता है, कई कस्टमर 8 भी करवाते हैं। तो इन्होंने 16 पीस कर दिए इसके। ये डाल दिए प्याज इन्होंने। ये क्या डाला सर आपने? ये चाट मसाला। ठीक है, इसमें मैं स्नैक्स क्रीम इस्तेमाल करता हूँ, अमूल नहीं करता, क्योंकि अमूल ऊपर में तो ठीक होती है, अंदर बाद में उसके लिक्विड हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये स्नैक्स क्रीम है, इसका भी अमूल जैसा ही टेस्ट आएगा। तो ये इस पे क्रीम डाल दी है इसमें उन्होंने, ये इसमें ग्रीन सॉस। तो ये इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे इसमें। मैं ही बोला हूँ, तो 60 रुपीज़ में देख सकते हो ये इनकी प्लेट है, तो ये इनकी क्वांटिटी है। तो अब मैं इसको ट्राई करूँगा और बताऊँगा टेस्ट में कैसा ही है। फाइनली स्पेशल क्रीमी दही भल्ले की प्लेट लग चुकी है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेकोरेट की है इसको, बहुत ही अच्छे कलर्स लग रहे हैं देखने में। बट इन्होंने जो चटनी डाली है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं किया, एकदम नॉर्मल तरीके से उसको बनाया है। कंकड़ और क्रीम को मिक्स करके दही तैयार किया गया है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी क्रीमी लग रहा है ये, और जो इनके दही भल्ले हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ टेस्ट में कैसा ही है। वाकई में इनके जो दही भल्ले हैं बहुत ही यूनिक है, दही है बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही बढ़िया है, और जो इन्होंने इमली की चटनी यूज़ की है तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड कर रही है इसको। तो ये मेरी फाइनल आइटम लग चुकी है, क्रीमी तवा ब्रेड। तो इसका मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, और अब देख सकते हो ये लग चुकी है यहाँ पे। इसमें बता दूँ क्या क्या डाला है। इन्होंने ब्रेड के अंदर पोटैटो की फिलिंग की हुई थी और उसको इन्होंने फ्राई किया है ऑयल में। काफ़ी यूनिक आइटम है, मैं पहली बार टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं टेस्ट में कैसा ही है। तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एकदम उसका टेस्ट वैसा ही है, और काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है, मैंने ऐसा टेस्ट कभी ट्राई नहीं किया है। इन्होंने इसको काफ़ी क्रिस्पी बनाया हुआ है, ऊपर से इन्होंने चाट मसाला डाला था, इसमें क्रीम डाली थी और साथ में ग्रीन चटनी डाली थी, सबका फ्लेवर अलग अलग से आ रहा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आ रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनकी ये आइटम ज़रूर ट्राई कीजिए, 60 रुपीज़ की प्लेट है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी देख सकते हो आप। और सर मैम को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और इनके यहाँ पे ज़रूर टेस्ट कीजिए। तो अब मैं फटाफट से अपने आइटम फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।